हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है दिन शुक्रवार और मैं साथ को छोड़ के आ चुका हूँ स्कूल में। बस अपना आगे करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइस, जब यथार्थ और उसके पापा दोनों चले गए थे, यथार्थ तो सुबह जल्दी चला जाता है, 7:30 बजे उसको पहुंचना होता है स्कूल में, तो वो तो बहुत सुबह जल्दी चला जाता है। और उसके बाद उसके पापा उसे छोड़ के घर आए, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके तो वो भी ऑफिस चले गए। तब फिर उसके बाद तसल्ली से फिर मैं सफाई करती हूँ, झाड़ू एक बार सुबह निकाल देती हूँ, पर जो ज़बरदस्त वाली अच्छे मन टिका के जो सफाई होती है वो फिर बाद में ही होती है, सबके जाने के बाद, क्योंकि घर बिल्कुल खाली होता है, कोई भी बीच में घूमने वाला, सेटिंग ख़राब करने वाला, पोचे में घूमने वाला नहीं होता। तो वही है कि उसके बाद मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और गाइज, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे घर के सामने बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। काफ़ी अच्छा मकान बना है, पर सारा दिन आवाज़ें आती रहती हैं। और अब यथार्थ के पापा उसे स्कूल से लेने गए हैं, तो यथार्थ अपने दोस्तों से मिलवा रहा है पापा को। ये मेरे फ्रेंड्स कुणाल, दोस्त अंकल और यारों, वीडियो घबरा दिखा, देख तुम क्या हो गया, आ जा। अरे तेरी बहन नहीं आई तो आ जा, चले जाने में जा फिर। ना मेरे को नहीं जाना, बता फिर। अरे आ जा यार, कोई नहीं, हम जा रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड है तू मेरा, आ जा। चल नहीं चल, फिर कल मिलते अपन, बाय। देखते हैं, देखो क्या, चला जा। 2 मिनट सारी लगेगी, 2 मिनट सारी, जा तो चला जा। अरे देख लिया भाई यार, टाइम लग जाएगा। अरे नहीं लगने का, फिर क्या हो गया। गाइस, इसकी वैन नहीं आई थी तो फिर ये कह रहा था कि मैं पैदल चला जाऊंगा। मैंने कहा आजा भाई साथ में जाते हैं, मना भी करा था बहुत ज्यादा, पर गाइस बेस्ट फ्रेंड है तो ऐसे थोड़ी मत है। आज मुझे लंच में बनानी थी अरवी की सब्जी, और उसी के लिए मैं अरबी छील रही थी। और क्योंकि यथार्थ आजकल व्लॉग वगैरह में हेल्प कर देता है, छोटे छोटे सीन कलेक्ट करता रहता है, तो वो अपना काम कर रहा था। गाइस, आज लंच में अपना अरबी की सब्जी, लस्सी और चपाती। और अरबी की सब्जी में जब नींबू डाल के खाते हैं ना तो बहुत ही टेस्ट आता है, बहुत ही लजीज, मज़ा आ जाता है बिल्कुल। तो बस मैं अपना एसी रूम में बैठ के खाऊँगा, गर्मी बहुत आज। और ये था देख रहा है लीड लगा के, क्या देख रहा भाई, बैग उठा दे और एक टॉवल ले इसको रख दूं। मिस्टर बीन, फिर आई वाज वाचिंग मिस्टर बीन। मिस्टर बीन देख रहा तू, क्या मिस्टर बीन से कम है सीन चैन, मिस्टर बीन सब तेरे अंदर मौजूद, ठीक नहीं है। मिस्टर बीन बहुत इंटेलिजेंट है पापा, जो बोल रहे। हाँ बेचारा गुजर गया है, गुजर, पर वो बिल्कुल मेरे पे गया था। मेरे पे कैसे गया था। गाइस, मैं आ चुका हूँ अपना ऑफिस से वापस, और इस कमरे का अब हम करेंगे मेकओवर, वाल पुट्टी और छत पे करेंगे पीओपी। इतनी परफेक्ट कर पाएंगे वो तो मैंने आपको मेरी वीडियो में देखेगा, ड्राइंग रूम में की हुई है वैसे मैंने। और ये था कि मम्मा कर रही है हेल्प, सब सामान हमने उतार दिए दीवारों से, फोटो वगैरह सभी, वाल को भी उतार दो, सब कुछ उतार दो। और इस तरह का एक ये ले लिया है हमने बॉक्स, तो जितना भी डेकोरेशन का सामान था इसका सारा इसी में रख दूंगी मैं। ये टंक भी उठाने पड़ेंगे ना इधर वाले। हाँ। तो ये अपने जो भी डेकोरेशन आइटम थी, जो अपना फोटो थी हमारी DIY की हुई, उन सब को उसमें रख देंगे, इस पे दोबारा पेंट करेंगे ना। तो चलिए लगते हैं बस काम पे। ये देखिएगा जब ये ऐसा लुक आ रहा है कमरे का, 2-3 दिन लग जाएंगे मेरे को, और छत में ही शायद 1.5 या 2 दिन लग जाए, क्योंकि शाम को और सुबह ही कर पाऊंगा मैं, क्योंकि दिन में अपना ड्यूटी जाना होता है। तो इसको हम कुछ आइडियाज है हमारे मन में, सिर्फ ये हम आपको दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद फिर हम एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर बढ़िया वाली। और गाइस एक कमेंट आया हुआ था
कि शहर से गांव से आप लोग आके बड़े मजे ले रहे हो, शहर में आपके बहुत मजे हो रहे हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं। जो हमारे आसपास वाले और नॉन है उन्हें अच्छे से पता है कि कितने मजे हम ले रहे हैं, ठीक है ना। मजे वजे का कुछ ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे भी इतनी मेहनत कर रहे हैं और बल्कि ज्यादा ही कर रहे होंगे। ये पूरा घर जो है ना हमारा, आपको आपने हमारी लॉबी देखी होगी, तो आप हमारी पिछली वीडियोस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हम कैसे घर में शिफ्ट हुए थे, हमारा ये कंप्लीट भी नहीं हुआ था। और ये श्रीमान जी की मेहनत और मतलब थोड़ी बहुत हेल्प मेरी और यथार्थ की थी, तो उससे हमने ये। और अब आगे भी आप इस रूम को देख रहे हो कि कैसा है, ये इसे चेंज करेंगे, तो धीरे धीरे करके पूरे घर को अपने हाथों से चेंज कर देंगे। मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं हाथ से वीडियोस बनाती खाली रहती हूँ, पहले स्कूल जाती थी, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं जाती हूँ, बट ट्यूशन लेती हूँ, काफी बच्चे होते हैं तो काम करने वाले लोग हैं। गाइस पापा पीओपी कर रहे थे और उनकी आंख में अचानक से पता नहीं क्या चला जाता है, तो मम्मा कहती है और दुपट्टे से साफ कर लो, फिर पापा वापस से लग जाते हैं। गाइस पापा ने कहीं से भी नहीं सीखा, पर फिर भी पापा मल्टीटास्किंग है, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है अपने पापा को पे। और गाइस मम्मा मटेरियल बना के देती है पापा को, और कभी कभार टेबल या चेयर पकड़ते हैं। और गाइस मैं ना हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि ना मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इस वजह से मैं अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहा था। तो गाइस अब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मैं ध्यान दूंगा। गाइस मेरे को बड़े प्राउड फील होता है अपने पापा पे, बहुत अच्छे हैं मेरे पापा। अगर कभी कंपनी में जाते थक जाते हैं तो फिर भी वह गाना गाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहते, डांटते कभी नहीं। गाइस तो देखिए मैंगो शेक तैयार। ये हमारा गर्मियों का ना सबसे फेवरेट वाला पी एस नाइट में ना मैंगो शेक। मैंगो शेक वैसे तो बनाना शेक भी पीते हैं, पर बनाना शेक ना थोड़ा दिक्कत करता है रात को, लेकिन मैंगो शेक बहुत टेस्टी रहता है। मैं तो अपना फ्रिज में रखूंगा, तुमको पीना पी लो, यथार्थ को भी ठंडा नहीं देना ज्यादा। और गाइस मैं आपको दिखाती हूँ खाना वाना हमने खा लिया, काफी लेट खाया क्योंकि बिजी थे दोनों, इसमें कमरे का हाल तो बुरा था, बट हमने क्या किया है टेम्परेरी सा बेड को साफ करके थोड़ा उस पे नीचे एक गंदी मतलब पुरानी सी चद्दर डाल के उस पे गद्दे लगा के चद्दर, क्योंकि सोने जा रहे हैं हम लोग छत पे, लेकिन ये हो सकता है कि बीच में बारिश वारिश की वजह से आना पड़ जाए, तो सिर्फ सोने सोने वाला सा काम होना चाहिए। और आज इतना कवर किया है राणा जी ने, बाकी देखते हैं कल तक कर देंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम सेटिंग वेटिंग में उसमें लग गया ना। गाइस नाइट के अपना सारे काम हो गए फिनिश, अब हम जा रहे हैं छत पे सोने। और ये मैंने ले लिया है चावल क्योंकि चिड़िया हो गए ना, सुबह सुबह डालने जाता हूँ तो सारी उड़ जाती हैं। हाँ। तो इस वजह से मैं नाइट में डालना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने यही शुरू किया है, रात को सोने से पहले डाल के सोते हैं। मैं सुबह डालने जाता हूँ ना, मेरे को देख के फिर सारी भाग जाती हैं, तो ये ज्यादा बेटर है, खा लेती है सारी, फिनिश मिलते हैं पूरी कटोरी है ना। तो कोई ना कोई अच्छी हैबिट अपनाइए आप भी, चिड़ियों के लिए पानी रखिए, अपना चावल दाना रखिए, और कुत्तों के लिए बाहर कुत्तों गाय के लिए रोटी दीजिए। तो आज का हमारा व्लॉग बस इतना ही था, तो गुड नाइट, और आज फिर गुड नाइट यथार्थ के स्टाइल में देखते रहिए दोस्तों, बाय 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 टाटा।